नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। सूबे सहित पूरे राजधानी में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सरकार ने कुछ पाबंदियां भी लगाई है, तो वहीं जिला प्रशासन को कड़ी हिदायत दी गई है कि वह आम लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाए। वहीं आज रांची उपायुक्त छवि रंजन सदर अस्पताल पहुंचे। सदर अस्पताल पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया कि कोरोना को लेकर क्या व्यवस्था अस्पताल में है। उन्होंने नाराजगी भी जताई क्योंकि कई ऐसी व्यवस्था सदर अस्पताल में नजर आई जो कि मरीजों के हित में नहीं थी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अस्पताल पूरी तरीके से तैयार रहे, इसको लेकर अभी से ही अलर्ट होने की जरूरत है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमित और इसके साथ ही मरीजों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन हर समय दो तरह के निरीक्षण आए। मैंने ओवरऑल सदर अस्पताल का जो काम चल रहा है, उसमें लगभग रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 80% काम हो चुका है। ऐसे में बाकी काम को जांच करने के लिए हम देख रहे थे कहीं कहीं पर कई सारे ऐसे छोटे छोटे काम जिस कारण से पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को दिक्कत हो सकती है, उसको लेकर यहाँ के जो इंजीनियर चेक किया गया और लिखित के लिए काफ़ी समझा जाएगा और इसे डिपार्टमेंट के लिए अवगत कराया गया। साथ ही साथ कोविड को लेकर जो तैयारी की गई सर अस्पताल में, उसका भी मुआयना किया गया है, प्रेशर अटर कर दिया गया था डॉक्टर्स और नर्सिंग पर। बट अभी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर हम और बेड लगा सकते हैं, उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सारे फ्लोर में कोविड बेड्स को हम लोग लगाएँ। ओवरऑल कितने सर? बट हम लोग यहाँ से निरंतर कोर्ट को जब भी हमें विजिट किया जाता है तो हम लोग जाँच करके रिपोर्ट कोर्ट को हम लोग उससे अवगत करें। माना जाए व्यवस्था मुकम्मल है, इस बार उस तरीके की महामारी नहीं देखने को मिलेगी, मौतें नहीं होंगी, क्योंकि पिछली बार इसी अस्पताल के दहलीज पर एक व्यक्ति पवन गुप्ता हजारीबाग की मौत होती है और नेशनल मीडिया में सुर्खियों में ये खबरें होती हैं। देखिए, भगवान तो मैं नहीं हूँ इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। हम लोगों ने पिछली बार जो था सेंटर से पाइप सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई किया, इस बार सारे पाइपलाइन हमारे जो है वो फिर से फ्राम और फुल ऑक्सीजन टाइम से हमारे सप्लाई हो रही है। किसी भी पेशेंट को सेंटर ढो के ले जाने की आवश्यकता है। एलुमो प्लांट सर लग गया है, लाइसेंसिंग में मामला अटका हुआ है, लाइसेंस मिल चुका है। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी जी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ ना कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम।